कि ना जाने किस हराम जादे ने जात पात ऊंच नीच दलित शोषित ब्राह्मण बनिए, किसने जात पात बनाई है। तो मैं श्रद्धा ओम प्रकाश जी को बताता कि उस हराम जादे का नाम है मनु। उस मनु ऋषि ने मनुस्मृति लिख करके मनु संविधान बना करके और उसमें हमारे जाति के आधार पर जो हम लोगों को सजाएं दी है, जो अपमान लाचारी बेबसी, उसकी बदौलत उस संविधान की बदौलत जिसको परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जला करके राख कर दिया। तो वेदों में हमारे लिए केवल वेदना ही वेदनाएं हैं। सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। स्वागत है आपका संत आवाज टीवी स्टूडियो में। आज हमारे बुलावे पर गाजियाबाद से चलकर आए हमारे बड़े ही वरिष्ठ समाजसेवी रमेश गौतम जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका, धन्यवाद आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद सर। कल एक महामानव का जन्मदिवस था जी। झूठन जैसी उपन्यास लिखकर वो अमर हो गए जी। और उस समय में, जिस समय में झूठन लिखा गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जी जी, कल उनका जन्मदिवस था। तमाम देशवासियों को मैंने अपने फेसबुक पेज से, यूट्यूब चैनल से और अपने आईडी से सभी को मैंने बधाई दी थी। एक बार पुनः मैं बधाई देता हूँ उनके जन्मदिवस पर। तो झूठन जैसी जब उन्होंने काव्य, इतना महान काव्य लिखा जिसको पढ़कर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी जी, और उन्होंने स्वयं भी लिखा है कि जब मैं इसको लिख रहा था तो मैं खुद ये सोच रहा था कि ये सारा अत्याचार मैंने अपने ऊपर सहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमें बड़ी निराशा होती है उनके ना रहने पर इतने वर्ष बाद भी, कि हमारा जो एक अनुसूचित जाति समाज के अंदर की जो बड़ा विशाल वर्ग है वाल्मीकि समाज का जी जी, वो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के उस संकल्प को या उनकी उस छवि को आज तक उसको अपने अंदर नहीं डाल पाए जी जी जी। क्या क्या कहेंगे इस बारे में आप? तो सबसे पहले मैं आप सभी को जय भीम नमो बधाई करता हूं और समता आवास को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे बीच में आज श्रद्धा है और परिनिर्वाण प्राप्त ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हमारे बीच में नहीं है, और यदि हमारे बीच में यदि है तो उनकी लिखी हुई पुस्तक झूठन एक बहुत क्रांतिकारी पुस्तक है। और उस पुस्तक में सम्मान स्वाभिमान की कीमत क्या होती है उन्होंने बताई है। और ये बड़े दुख की बात है कि आज दलित समाज के जो लोग हैं हम आज भी अपने ऐसे विद्वान बहुत क्रांतिकारी सदैव ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की पुस्तक झूठन से वंचित हैं। तो मैं तो सबसे पहले निवेदन ये करूँगा सब लोगों से कि सब लोग ओम प्रकाश जी की लिखी हुई पुस्तक झूठन आप जब पढ़ेंगे तो आप किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, आप ऐसा महसूस करोगे, मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे वो हम पर वो सब कुछ हमने भोगा है, हमने उसको अपने जीवन में उस नरक को हमने अपने शरीर से टच होते हुए देखा है। हमने झूठन क्या चीज़ होती है, बेबसी क्या चीज़ होती है, अपमान क्या चीज़ होती है, वो हमने पूरे वर्ग ने वो झेला। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखते हैं इस पुस्तक में कि क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर के और पूरे जीवन तक जात पात, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, तिरस्कार, अपमान, लाचारी, बेबसी, झूठन, और जब उन्होंने उसको पुस्तक में लिखा तो वो लिखते लिखते इस अपमान से दुखी होकर के लिखते हैं कि ना जाने किस हराम जादे ने जात पात ऊंच नीच दलित शोषित ब्राह्मण बनिए, किसने जात पात बनाई है। ये शब्द है उसमें, इस तरह के शब्द, कठोर शब्द। यस, चैलेंज है कि आप पढ़ें जी जी। मैं यदि उस समय जिंदा होता तो मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को बताता, क्योंकि मैंने भी वो दर्द झेला है, पूरे जीवन मैंने वो दर्द अपमान के मैंने कड़वे घूंट पिए हैं, खून के आंसू पीता रहा हूं मैं भी।
तो मैं श्रद्धा ओम प्रकाश जी को बताता कि उस हराम जादे का नाम है मनु। उस मनु ऋषि ने मनुस्मृति लिख करके मनु संविधान बना करके और उसमें हमारे जाति के आधार पर जो हम लोगों को सजाएं दी है, जो अपमान लाचारी बेबसी, उसकी बदौलत उस संविधान की बदौलत जिसको परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जला करके राख कर दिया, उस पुस्तक में लिखा हुआ। हालांकि जब किसी आप हिंदू धर्म के और शास्त्र पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, तो वेदों में हमारे लिए केवल वेदना ही वेदनाएं हैं, ये शास्त्र नहीं है, ये इस वर्ग के लिए हमारे लिए शस्त्र है। तो इसलिए सदा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो पुस्तक है, मतलब हजारों साल से हम नरक को भोग रहे हैं, सुवर हम पालते आए, सिर पर टट्टी का टोकरा हम ढोते आए, महनोल में हम मरते रहे, झूठन हम लेते रहे, लाश में से कफन हम लेते रहे, किस बात की सजा? वो कौन सा ऐसा भगवान है कि जिसने पूरे समाज के किस्मत में लिखा? जिस दिन वो भगवान मिल जाएगा ना, मैं उसके चेहरे पर इतना थूकूंगा कि थूकते थूकते चेहरे का पीक दानी बना दूंगा। और गांधी जिसको इस देश के कुछ धूर्त मकार गद्दार नेता लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, वो नेता, वो गांधी जब जिंदा था तो कहता था कि सफाई का काम, सिर पे टट्टी ढोना, लाश पर से कफन लेना, झाड़ू लगाना, ये कोई बुरा काम नहीं है, ये तो बहुत महान काम है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगले जन्म में मुझे किसी भंगी के घर में पैदा करें, तो मैं यदि उस समय जिंदा होता तो मैं उस नाटकबाज गांधी को, क्योंकि इस देश में दो बड़े धूर्त हैं, एक तो नेता और एक महात्मा, और मिस्टर गांधी महात्मा भी लोग उसे कहते थे और नेता भी उसे कहते थे, दोनों क्वालिटी थी। तो मैं कहता कि मिस्टर गांधी, अगले जन्म में तुम भंगियों के घर में पैदा होकर के तुम वो झाड़ू लगाओगे, टट्टी उठाओगे, सूअर पालोगे, रोटी मांग मांग के खाओगे, इतना इंतजार ना करो। इस जन्म में ही मैं सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम सिर पे टट्टी का कूड़े का टोकरा ढो रहे हैं, तो तुम तुरंत लग जाओ, आज से ही तुम सिर पे टट्टी के टोकरे ढो, तुम महनोल में घुस के सफाई करो, तुम इस देश की नालियां साफ करो, अगले जन्म का इंतजार ना करो जी। लेकिन आपको बता दूं कि केवल गांधी ही अकेला नहीं, इस देश में हमारी दुख भरी कहानी पर, हमारी बेचार बेबसी पर, हमारी लाचारी पर ना जाने कितने दुष्ट धूर्त मक्कार नमक हराम नेता नाटकबाजी करते रहे। आज भी आप देखते होंगे कि कुछ नेता, कुछ अफसर अधिकारी जो बनिए बनमत ठाकुर हैं, सड़क पर गांधी के उस प्रथा को करते हुए सड़क पर झाड़ू लगाते हैं, लेकिन उन वो कितने दुष्ट धूत मक्कार हैं। जरा जाके देखो, वो सड़क पे कोई गंदगी नहीं पड़ी थी, सड़क पहले के बाद साफ करी जाती है, प्रधानमंत्री जी अम्बेडकर भवन में झाड़ू लगाते हैं स्कूल में जी, और झाड़ू बिल्कुल नहीं होती है जी। लेकिन यदि वो झाड़ू पकड़ करके वो नेता धूत मष्टा मक्कार गद्दार नमक हराम वो अफसर अधिकारी केवल झाड़ू पकड़ के दी एक घंटे के लिए उसके फोटो खींच जाते हैं, अखबार में आ जाती है, टीवी के चैनल चाटू को टीवी चैनल उसकी वाहवाही करने लग जाते हैं। तो यदि इतना महान काम है तो फिर इस देश में हम भंगी, हम चूड़े हजारों साल से जो हम ये गंदगी दूर करते आ रहे हैं पूरे देश की, हम नीच क्यों जी? एक सवाल उठता है, तो इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से
एक निवेदन करता हूँ कि सरदार वाल्मीकि जी को हम सच्ची श्रद्धांजलि इस रूप में देते हैं कि यदि हमें मेहतर से बेहतर बनना है तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी पुस्तक में लिखी है कि काश मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की किताबों को नहीं पढ़ता तो मैं जिंदगी भर नरक ही ढोता रहता, मेरे जीवन में शिक्षा नहीं आती तो फिर मैं सफाई पेशे जुड़ा होता, तो मेहतर से बेहतर बने। गौतम जी, एक सवाल यहाँ पर निकल कर आता है, अक्सर लोग, मैंने मंचों पर भी देखा है जी, मंचों पर भी कहते हैं और बड़ी बड़ी डींगे भी हाँकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है जी और आप लोगों के हाथ में झाड़ू कैसे जी। दिल्ली के अंदर खासकर तीन तीन बार केजरीवाल जी सरकार बना लेते हैं इसी एक विशेष वर्ग के सहयोग से जी जी जी, लेकिन उसके बावजूद हमें या आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी बेहतरी के लिए कोई काम दिल्ली के अंदर नहीं हो पा रहा है जी जी, उस वर्ग विशेष के साथ में कहीं ना कहीं छल कपट आपको ऐसा लगता है कि क्या जा रहा है? अवश्य, नेताओं से यदि हम या राजनीतिक सत्ता से यदि हम उम्मीद करेंगे कि ये हमारा भला करेंगे तो मैं आपको एक चीज बता दूं अंतनी साहब जी, कि यदि किसी दलित समाज के गले में टाई लगी हो जी, वो वकील साहब हों, वो इंजीनियर साहब हों, वो डॉक्टर साहब हों, वो जज साहब हों, तो एक भी सरण जाति के चेहरे पे मुस्कान नहीं आ सकती जी। उनके चेहरे पर मुस्कान तभी आएगी कि जब मेरे सिर पर गोबर का, लैट्रिन का, कूड़े का टोकरा हो या हाथ में झाड़ू, और उनको चेहरे पर तब मुस्कान आएगी कि जब मेरी बहन के, मेरी माँ के हाथ में झाड़ू होगी, उनके चेहरे पर मुस्कान जब आएगी जब मेरे परिवार के लोग, मेरे खानदान के लोग जिनको मेहतर से बेहतर बनना चाहिए महनोल में वो घुस कर रहे होंगे तब उनके चेहरे मुस्कान आती है। इसलिए टाई का अधिकार दिलवाया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, तो यदि आपको शिक्षा के माध्यम से यदि मेहतर से बेहतर होना है तो केवल एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर चले। सबको जय भीम।